हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। फ्रेंड्स, आज की इस नीट न्यूज़ में मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ वो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन को लेकर है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि नीट 2019 के जो एप्लीकेशन करेक्शन स्टार्ट होने वाला है 14 से 31 जनवरी 2019 तक, उसमें आप क्या क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन क्या क्या चीज़ करेक्ट कर सकता है। वन टाइम अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशंस। डिटेल्स रिगार्डिंग नीट एप्लीकेशन करेक्शन आर मेंशन बिलो। तो चलिए गाइस, देखते हैं। करेक्शन कैन बी डन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड से ही करेक्शंस होगी। करेक्शन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 14th to 31st January 2019। तो ये परसों से स्टार्ट हो जाएगी करेक्शन। और कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल SMS रिगार्डिंग करेक्शन इन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। द सेम विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स लॉग इन अकाउंट। और उसके बाद कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो मेक करेक्शंस इन पर्टिकुलर फील्ड्स लाइक। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो किन किन चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी, जेंडर। इसके बाद स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले मैं इन तीन चीज़ों की बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी और जेंडर वही लोग चेंज करा सकते हैं जिन्होंने पहले अपना आधार कार्ड नहीं अपलोड करा। मींस अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में अगर आपने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है तो आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने आधार कार्ड की बजाय कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि पासपोर्ट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, राशन कार्ड नंबर ये सब अपलोड कर रखा है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी अभी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, ये तीन चीज़ें थी जो हर कोई नहीं चेंज कर सकता। उसके बाद स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम पेपर, डिसेबिलिटी स्टेटस, एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड एंड परसेंटेज, पेरेंट्स नेम, मदर्स एंड फादर्स, ये सारी चीज़ें कोई भी करेक्ट कर सकता है। तो गाइज, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो हर कोई नहीं चेंज कर सकता। जिन्होंने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया वो नहीं चेंज कर सकते अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। अगर जब परसों से पोर्टल खुलेगा उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल हुई तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा गाइज। उसके लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और गाइज, इन केस ऑफ एनी एडिशनल फीस कैंडिडेट कैन पे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। जो एडिशनल फीस होगी इस चीज़ की वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में अन्य ऐसी नई जानकारियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।